इब्रानियों 12 अध्याय का 15 वचन, और ध्यान से देखते रहो ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए, या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। प्रभु के अनुग्रह को यसा ने खोया। वो गिरने का कारण क्या है? उस 12 का 15 में देखे, दूसरों के प्रति कड़वापन। अपने भाई याकूब को उसने विरोध किया, माँ बाप को जो है विरोध करके अन्य स्त्री से उसने शादी की। इसहाक ने याकूब से प्रेम करने के चलते उसको विरोध दिखाने के लिए इसमें हल की ऐसे बहुत लड़कियों के ऐसा ने शादी की। इसी कारण से देखे उन्होंने अनुग्रह को खोया। सबसे पहले कड़वापन के चलते अनुग्रह को खोना होगा। दूसरों के प्रति यदि कड़वापन है तो आज ही उसको छोड़ देना है, उसको क्षमा करना है। कड़वापन एक जड़ के समान है, देखिए उसको बाहर फेंकना है। वो जड़ के समान है, पेड़ को काटने से पता नहीं चलता है, लेकिन जब वर्षा आएगा तो वो जड़ से फिर से निकलता है। वैसे ही वो अंदर का गुण है, उस कड़वापन को जो अंदर रहता है उसको फेंकना है। जड़ के समान अंदर रहता है, अनुग्रह को निकालने वाला वो कड़वापन। अनुग्रह को खोने का दूसरा कारण है व्यभिचार या लुच्चकाम। पौलुस ऐसे लिखता है, सारे पाप शरीर से दूर हो सकता है लेकिन व्यभिचार शरीर से संबंधित है। इसलिए व्हाट्सएप फेसबुक देखने वाले सावधान रहना। मत्ती 5 अध्याय में यीशु कहता है, किसी स्त्री को बुरे नजर से तुम देखा तो उसके साथ तुम व्यभिचार कर लिया। अनुग्रह को खोना होगा। मेरी बहन आप अनुग्रह को खो जाएगी, मेरे भाई आप अनुग्रह को खो जाएंगे ऐसे ही विचार में रहने से। और शरीर की अभिलाषा को पूरा करना। जो आत्मिक व्यक्ति है सारे चीज को जांच कर परखता है, ऐसे जीने वाले इस दुनिया में कभी भी अनुग्रह को नहीं खोएंगे। परमेश्वर अनुग्रह को देने का कारण क्या है? उस अनुग्रह का नायक जो यीशु मसीह, उसका दया से हमें अनुग्रह मिली है, उसको प्रसन्न करने के लिए हमें अनुग्रह मिली है। नलायकों को लायक बनाने के लिए देता है, इसे कारण क्या है? उस अनुग्रह के द्वारा प्रभु को प्रसन्न करने के लिए हमें दिया है। जो अनुग्रह मिली है दिन रात प्रभु यीशु को ही प्रसन्न करना है, दीन नम्र बनना है, उसी को जो हमें ऊंचा करना, जरूर प्रभु यीशु मसीह आपको भी ऊंचा करेगा। आज इस थाने में आने का कारण क्या है? आपका पढ़ाई क्या, आपका अनुभव है? कुछ भी नहीं, परमेश्वर की सिर्फ अनुग्रह है। इस संसार में चाहे हम कुछ भी खो जाएं, लेकिन अनुग्रह को कभी नहीं खोना है। हालेलुया, हालेलुया।